नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में उसी जगह पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने सियासत की यात्रा शुरू की थी। 5 अप्रैल 2011 को इसी जंतर मंतर से सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जब केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरी तो दिल्ली में बैठी सरकार की कुर्सी डगमगाई। जन लोकपाल बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने इसी जंतर मंतर से जनता के साथ भूख हड़ताल कर दी। अरविंद केजरीवाल के इस आंदोलन ने पूरे देश की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हो गई और फिर 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई। तब से लेकर आज तक जनता ने केजरीवाल का ऐसा साथ दिया कि पूर्व सीएम केजरीवाल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 2 राज्यों में आप पार्टी की सरकार बन गई। कट्टर ईमानदार छवि बनाने वाले अरविंद केजरीवाल पर इन दिनों जब कई तरह के सियासी दाग लगे तो मजबूरन एक बार फिर अरविंद केजरीवाल फिर उसी जगह से जनता की अदालत से बड़ी हुंकार भरी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता को संबोधित किया। जनता अदालत में केजरीवाल ने कहा कि आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है, जंतर मंतर पर पुराने दिन याद आ गए। जनता अदालत को संबोधित करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने साल 2011 का जन लोकपाल बिल के आंदोलन के दिनों को याद किया। केजरीवाल ने कहा कि 4 अप्रैल 2011 का दिन था और आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन इसी जंतर मंतर में शुरू हुआ था जो कि 1.5-2 साल तक चलता रहा। तभी सरकार भी बहुत अहंकारी थी, हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज देते थे कि चुनाव लड़कर जीत कर दिखाओ। फिर हम भी चुनाव लड़ लिए और पहली बार में ही दिल्ली में सरकार बनाकर दिखा दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़ा जा सकता है और सरकार भी बनाई जा सकती है। केजरीवाल ने अपनी सरकार की कामयाबी गिनाते हुए कहा कि सरकार बनाकर लोगों को ऐसी ऐसी सुविधा दी जो उन्हें नहीं मिलती थी। लोगों के लिए मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा दी। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 10 सालों से ईमानदारी से सरकार चला रहे थे तो मोदी जी षड्यंत्र रच के सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। अब हमने जेल से बाहर आकर इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल ने 13 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था, जिसके बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि आप सोच रहे होंगे कि हमने इस्तीफा क्यों दिया, मैं भ्रष्टाचार करने नहीं देश की राजनीति बदलने आया था, मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है, मैं अंदर से बहुत दुखी हुआ इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी से काम किया है, इन 10 सालों में मैंने सिर्फ आपका प्यार कमाया है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीएम आवास को खाली करना होगा। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने कहा कि मेरा घर ले लो, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्र में मुख्यमंत्री आवास छोड़ना, आपके घर आकर रह लूंगा। मैंने सोचा था कि कोर्ट से जब तक बरी नहीं हो जाता तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, कोर्ट में सालों ट्रायल चलेगा, इसलिए मैं जनता की अदालत में आया हूं। अगर मैं बेईमान होता तो हजारों करोड़ खा जाता, लोगों के लिए चीजें मुफ्त नहीं करता। मैं आज आप लोगों से पूछने आया हूं कि केजरीवाल चोर है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आरएसएस वाले कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं। मैं आज मोहन भागवत जी से पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से मोदी जी पूरे देश में लालच देकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के लोगों को जेल भेज रहे हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये देश के लिए खतरा है? जिन नेताओं को मोदी जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिनों बाद पार्टी में शामिल करा लिया, क्या आप इससे सहमत हो? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है, पार्टी भ्रष्ट ना हो ये देखना आपका काम है। कभी आपने मोदी जी को ऐसा करने से रोका? लोकसभा चुनाव से पहले कहा गया था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आज बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंख दिखा रहा है, क्या आपको दुख नहीं हुआ? आप लोगों ने ही मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल पर रिटायरमेंट होगा। आडवाणी जी जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया गया, लेकिन अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पर लागू नहीं होता, क्या वो अलग हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 सालों से शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया गया था, लेकिन 75 साल बाद ऐसा शख्स आया मनीष सिसोदिया, जिसने ऐसे स्कूल बनाए जहां सबको अच्छी शिक्षा मिलती है। मनीष सिसोदिया को मोदी जी ने 2 साल जेल में डाल दिया, ये 2 साल मनीष सिसोदिया के नहीं देश के खराब हुए हैं, क्या आप इस तरह की हरकतों से सहमत हैं? मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि चिंतन जरूर करना,
पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो वोट देना, वरना मत देना। ये झाड़ू ईमानदारी का प्रतीक है, झाड़ू का बटन तभी दबाना जब आपको लगे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। अब सुनिए अरविंद केजरीवाल को। क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या जरूरत थी फ्री करने की? पैसे खा जाता सारे। अगर मैं बेईमान होता क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? सारे पैसे खा जाता। अगर मैं बेईमान होता आपका इलाज मुफ्त करता? पैसे खा जाता सारे। इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है, तो चोर कौन है? इनकी 22 राज्यों में सरकार है, कहीं महिलाओं का किराया फ्री नहीं है, तो चोर कौन है? आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? 75 साल के अंदर सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया हर सरकार ने इस देश के अंदर, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि ऊपर वाले ने इस देश को एक मनीष सिसोदिया दे दिया। 75 साल के बाद इस देश में एक ऐसा शख्स आया जिस देश जिसने गरीबों के बच्चों को भविष्य की एक उम्मीद दी। एक रिक्शे वाले का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, जिसे कोई उम्मीद ही नहीं बची थी कि मेरे बच्चे बड़े होकर कुछ बन सकते हैं, आज उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देके मनीष सिसोदिया ने उनको उम्मीद दी। ऐसे मनीष सिसोदिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल जेल में रखा। मनीष सिसोदिया की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी नहीं है, मनीष सिसोदिया की जिंदगी देश की जिंदगी है। मनीष सिसोदिया का एक एक जिंदगी का पल इस देश का पल है। ये 2 साल मनीष सिसोदिया के खराब नहीं हुए, ये 2 साल इस देश के खराब हुए हैं। अगर आज मनीष सिसोदिया जेल के बाहर होता न जाने कितने और नए स्कूल बनते। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।